जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी। वहीं लव मैरिज को इच्छुक जातक अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में दे या मुझे व्हाट्सएप करें, हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज के योग कितने हैं। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी कारण से शादी तय नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें, इससे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कुंडली में क्या दोष है। वहीं अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं। इसमें आपको केवल शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के उपाय, साथ ही आपको शीघ्र शादी के भी उपाय बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वीडियोज में भी आपको नंबर दिए गए हैं, वहां पर भी आप नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से संपर्क कर भी अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियों का सही जानकारी मिल जाएगी, साथ ही आपको दोष निवारण भी बताए जाएंगे, इससे आपके रिश्ते में आ रही दूरियां समाप्त हो जाएंगी। तो जिन जातकों को जरूरत हो वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और जब कभी आपको जरूरत हो तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर आप विजिट कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कुंडली बनाने के प्रोसीजर क्या है। तो आपको यह जानकारी प्राथमिक जानकारी दी है उन सेवाओं के बारे में जिनसे आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और वैवाहिक जीवन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल सकती है कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किससे होगी, जीवन साथी का कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, माता पिता की सहमति लव मैरिज के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज के वीडियो मैंने आपको उन 7 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग 7 दिनों में बन रहे हैं। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन से, मंगल के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से नवंबर महीने में बन रहे हैं। तो इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। आइए पहले जान लेते हैं राशि परिवर्तन कब हो रहा है और कौन से ग्रह कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है वो गुरु का है। गुरु 20 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और गुरु के मार्गी होने से
न केवल लड़कियों के बल्कि लड़कों के भी शादी के योग बन रहे हैं। शादी के लिए कई सारे संयोग बनते हैं, उनमें से एक संयोग गुरु का मार्गी होना है या गुरु का मजबूत होना है। अगर गुरु मजबूत रहे या मार्गी रहे या कुंडली के सप्तम भाव में रहे, पंचम भाव में दृष्टि रहे, प्रथम भाव में उपस्थित रहे तो शादी के योग बनते हैं उसी वर्ष। साथ ही अगर शनि के साथ युति बना ले या विराजमान हो जाए तो भी योग बनते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 20 नवंबर को जो है गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले वे वक्री हैं और 20 नवंबर के दिन से वे मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु के मार्गी होने से चार राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। वहीं मंगल के राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से तीन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो मंगल जो है 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे और वहीं शुक्र जो है धनु राशि में रहेंगे। तो इस वजह से जो है विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त के बारे में बता देता हूं कि नवंबर महीने में किन किन तारीखों को विवाह मुहूर्त है और सही समय क्या है, नक्षत्र क्या है और तिथि क्या है। साथ ही यह भी बताऊंगा इस दिन क्यों सबसे ज्यादा ही लग्न के मुहूर्त है। तो कई ज्योतिष 2 घंटे 1 घंटे को भी मान लेते हैं विवाह मुहूर्त, पर मैं आपको 4 घंटे से अधिक या 4 घंटे तक अगर लग्न मुहूर्त है तो उस समय के उन तिथियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो नवंबर महीने में किन किन दिनों में योग बन रहे हैं उसके बारे में बताता हूं। तो पहले जान लेते हैं कि गुरु का महत्व क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा दर्जा है। इन्हें समस्त देवताओं का गुरु माना जाता है। गुरु ज्ञान के सलाह के दाता हैं। बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा गुरु के कृपा से ही संभव है। यानी कि अगर आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको अधिकारियों का आशीर्वाद मिल रहा है, ऑफिस में आपके सीनियर आपकी बात सुन रहे हैं और आपका मार्गदर्शन प्रशस्त कर रहे हैं तो यह गुरु की कृपा से है। यदि आपकी कुंडली में गुरु शुभ है तो आपको विकट परिस्थितियों में भी सहयोग मिलता है। वहीं अगर गुरु अशुभ है तो सम परिस्थिति में भी आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और मकर राशि में इन्हें निकृष्ट माना जाता है। ये धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य चंद्रमा व मंगल के साथ इनकी मित्रता है तो शुक्र व बुध के साथ इनके शत्रुवत संबंध है। इसलिए ज्योतिष कहते हैं कि अगर कुंडली के सप्तम भाव में या कुंडली में बुध शुक्र की युति लग जाए, गुरु शुक्र की युति लग जाए तो फिर विवाह में बहुत देर होती है। राहु केतु व शनि के साथ इनका तटस्थ संबंध है, यानी ना दोस्ती और ना ही वैर। तो आइए अब पहले विवाह मुहूर्त नवंबर महीने के जान लेते हैं। तो 15 नवंबर को विवाह मुहूर्त है 6:39 सुबह से 6:36 नवंबर 16 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, रेवती है, जबकि तिथि द्वादशी है। वहीं नवंबर 16 को भी विवाह मुहूर्त है। मुहूर्त का समय 6:36 से लेकर 1:43 तक है। नक्षत्र रेवती ही है, तिथि द्वादशी एवं त्रयोदशी है। इसके बाद नवंबर 20 को विवाह मुहूर्त है 6:40 से 6:41 नवंबर 21 अगले दिन तक। नक्षत्र रोहिणी है, तिथि प्रतिपदा एवं द्वितीया है। 19 नवंबर को भी विवाह मुहूर्त है किंतु वह बहुत ही कम समय के लिए है, अल्पकालीन है। इस वजह से मैं 19 नवंबर को आपको सलाह नहीं दूंगा विवाह तय करने के लिए। आप 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 30 नवंबर सबसे उत्तम दिन है। तो नवंबर 21 को 2021 को यानी कि 6:41 से 6:41 नवंबर 22 तक नक्षत्र मृगसरा है, तिथि द्वितीया एवं तृतीया है। तो 21 नवंबर से गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे 20 नवंबर को, तो 21 नवंबर से फिर कुंभ राशि के जातकों के योग बनने लगेंगे। वहीं नवंबर 28, 2021 रविवार का दिन है, शुभ विवाह मुहूर्त 10:06 रात्रि से प्रातःकाल 6:47 नवंबर 29 तक है। नक्षत्र उत्तराफाग्नि है, जबकि तिथि नवमी एवं दसवीं है। नवंबर 29, 2021 सोमवार के दिन शुभ विवाह मुहूर्त है 6:47 से लेकर संध्याकाल 4:57 तक।
नक्षत्र उत्तर फागनी ही है जबकि तिथि दसवीं है। नवंबर 30 उत्पना एकादशी है इस दिन, तो 30 नवंबर 2021 के दिन मंगलवार पड़ रहा है। शुभ विवाह मुहूर्त 6:48 से 8:34 संध्या काल तक है। नक्षत्र हस्तय तिथि एकादशी है। कुल मिलाकर 7 विवाह मुहूर्त है नवंबर महीने में। 15 नवंबर को विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो रहा है, इस दिन देव उठान एकादशी तुलसी विवाह है। और 30 नवंबर को उत्पना एकादशी, यानी कि 15 नवंबर को या फिर 30 नवंबर के दिन ऑस्पिशियस डे है, यानी कि बहुत ही शुभ दिन है, तो आप इन दिनों में शादी तय कर सकते हैं। वहीं 20 नवंबर को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो 20, 21, 28, 29, 30 इन 5 दिनों में विवाह के प्रबल मुहूर्त बन रहे हैं। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली राशि वृषभ है, इनका नाम अक्षर ब से शुरू होता है, इनके राशि स्वामी शुक्र है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते वृषभ राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे, खासकर वृषभ राशि के लड़कों के। आराध्य देवी माँ दुर्गा है, भाग्यशाली रंग सफेद है, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है, राशि धातु लोहा एवं सीसा है, राशि शुभ रत्न हीरा है, आप हीरा धारण कर सकते हैं, राशि स्वभाव स्थिर है, राशि अनुकूलवार शुक्रवार बुधवार था शनिवार है, राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना था नीलम है, अनुकूल दिशा दक्षिण पश्चिम है, राशि तत्व प्रकृति है, राशि तत्व पृथ्वी है और राशि प्रकृति वायु है। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, जॉब बदलने की संभावना बन रही है गुरु के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से। मंगल का प्रथम भाव में गोचर होने के कारण लव रिलेशन बेहतर होंगे। धन का प्रयोग सोच समझ कर करें, गलत कार्यों से दूरी बनाएं तो आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, ऐसा अगले महीने का आपका राशि फल फलादेश है। और आपके विवाह के योग बन रहे हैं, THP नाम के जातक से आपके विवाह होने की संभावना बन रही है। अगली राशि सिंह राशि है, तो गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से, गुरु के कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होने से सिंह राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। और 20 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य 5 दिनों में आपकी विवाह 100% हो जाएगी। शादी अगर आप सिंह राशि के लड़के हैं तो शादी सुधा, शिखा, कल्पना, किरण, मोनी, मोहिनी आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। वहीं अगर आप सिंह राशि की लड़कियां हैं तो शादी संजीव, कार्तिक, महेश, महेंद्र, शेखर आदि नाम से होने की संभावना बन रही है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए MKS नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अगली राशि तुला राशि है, तो तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप शादी करने की योजना बना रहे हैं तो नवंबर में आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। नवंबर में आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका आपके पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अविवाहित जातकों के लिए शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, आपका आपके जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होगा। शादी का प्रस्ताव GMT नाम के जातक से आने की संभावना है, यानी कि अगर आप तुला राशि के लड़के हैं तो गौ, मौ, तौ नाम के जातकों से आपके विवाह होने के संभावना बन रही है, जैसे गरिमा, मनीषा, तनीषा, मेहुल आदि नाम से। वहीं अगर आप तुला राशि की लड़कियां हैं तो गणेश, मनीष, टिंकू आदि नाम के जातकों से, यानी कि गौ, मौ, तौ इन नामों से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। शादी शुक्रवार, शनिवार तथा बुधवार के दिन होने की संभावना बन रही है। शीघ्र विवाह के लिए हर मंगलवार को गरीबों के बीच मीठी चीजें बांटे तो आपके योग बनेंगे। अगली राशि वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के जातकों के सूर्य के राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। तो जन्म राशि वृश्चिक का नाम अक्षर 9 और 10 से शुरू होता है, राशि स्वामी इनके मंगल है, आराध्य देव श्री हनुमान जी है, भाग्यशाली रंग इनका लाल है, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है, राशि धातु तांबा स्टील सोना है, राशि शुभ रत्न मूंगा है, राशि स्वभाव स्थिर है, राशि अनुकूल वार मंगलवार गुरुवार तथा रविवार है, राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक्य तथा पुखराज है, अनुकूल दिशा पूर्व उत्तर है, राशि तत्व जल है जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के शुक्र के राशि परिवर्तन से भी
शादी के योग बन रहे हैं। वैसे जिन जातकों के विवाह में देर हो रही है तो हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। शादी वायव्य यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना बन रही है। साथ ही ISTU नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं या उनके साथ विवाह तय हो सकते हैं। अगली राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के जातकों पर न केवल शनिदेव बल्कि शिव जी की भी कृपा बरस रही है। साथ ही गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से गुरु के मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों की विवाह के योग 100% बन रहे हैं। शादी का सही समय नवंबर महीना ही है क्योंकि इस महीने में गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शनिदेव बल्कि शिव जी की भी कृपा कुंभ राशि के जातकों पर बरस रही है यानी SG नाम के जातकों पर। गुरु का पंचम भाव में दृष्टि बनाना, प्रथम भाव में उपस्थित होना, यह सभी विवाह के लिए शुभ अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। इसके लिए कुंभ राशि के जातकों की जिंदगी में नवंबर में बहार आने वाला है। शनिदेव और शिव जी की पूजा करें, आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। कारोबार रोजगार में भी आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन से। तो कुंभ राशि के लड़कों की शादी अनिशा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से होने की संभावना है। जबकि कुंभ राशि की लड़कियों की शादी प्रवीण, प्रकाश, पवन, अमित, राहुल, रौनक और ऋषभ, रजनीश आदि नाम के जातकों से होने की संभावना है। तो कुंभ राशि के जातकों के गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से और शिव जी की पूजा करने से विवाह के योग नवंबर महीने में प्रबल बन रहे। 5 दिनों के लिए आपके लिए विशेष योग बन रहा है। अगली राशि धनु राशि है तो गुरु के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे। धनु राशि का स्वामी गुरु है और आराध्य देव भगवान विष्णु जी है, वहीं इनका शुभ रंग पीला है। यह तीनों संयोग शीघ्र शादी के योग बना रहा है। खासकर गुरु के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों की शादी के योग है और विवाह मुहूर्त 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है जबकि 30 नवंबर तक लगातार लग्न मुहूर्त है और इन दौरान आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। इन 7 दिनों में विवाह मुहूर्त के धनु राशि के जातकों की शादी निश्चित ही हो जाएगी। दिन गुरुवार तथा रविवार हो सकता है जिस दिन आपका विवाह का योग बन रहा है। नवंबर में गुरु के तीसरे भाव में प्रवेश के कारण वैवाहिक जीवन की समस्याओं का समाधान हो जा रहा है, इससे शादी के योग बनेंगे। शीघ्र विवाह के लिए हर बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और शादी में आ रही सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है तो इनके भी राशि स्वामी गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री नारायण हरि विष्णु जी हैं। इसके लिए मीन राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। गुरु के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि, धनु राशि के जातकों के योग बन रहे। धनु राशि के जातकों के योग महज विवाह के 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। वहीं गुरु के राशि परिवर्तन से इस साल नवंबर महीने में आपके विवाह के 100% संभावना है। एक बार आप अपनी कुंडली दिखाकर अपने दोस्त दूर करने के उपाय जरूर करें तो नवंबर महीने में आपकी शादी हो ही जाएगी। गुरु के राशि परिवर्तन से मीन राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। यह समय विवाह संबंध मामलों में काफी शुभ रहने वाला है। आने वाला महीना नवंबर मीन राशि के जातकों को मांगलिक कार्य यानी वैवाहिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है और इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो जाएगी। विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए भी यह समय शुभ है। तो यानी कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता से बातचीत करें, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। विवाह मुहूर्त 15 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक है तो इन 7 दिनों में आपकी विवाह होने की संभावना प्रबल है। दिन गुरुवार, सोमवार तथा मंगलवार हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग नवंबर महीने में 7 दिनों में होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं
तो इसके आप स्वयं बीमार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर सही जानकारी देंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी, नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।